दोस्तों, क्या आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर किसी एप्लीकेशन को या फिर किसी गेम को डाउनलोड करने जा रहे हैं या फिर अपडेट करने जा रहे हैं तो वहां पर अपडेट नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, वहां पर पेंडिंग लिखकर आ रहा है या फिर और कुछ भी लिखकर आ रहा है, आपका बलाल डाउनलोड नहीं हो रहा है। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉल्व कैसे करें। उस पर ज़्यादातर लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरे साथ मेरा मतलब डाउनलोड अब होने लगा है, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ये ट्रिक है मेरे साथ वर्क नहीं कर रही है। तो इसको लेके मैंने जो प्ले स्टोर है वहाँ पर मैंने मेल करके उनसे पूछा कि ये पेंडिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे तरीका बताया कि आप अपने स्मार्टफोन में ये करें तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तब भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक और नया तरीका जिससे आपकी 99% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऐप लिस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ऐप लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है या फिर फ्रेंड्स स्क्रॉल करके इसको ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल प्ले, तो आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर सर्च करना है। तो यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर का देखिए मेरे सामने ऑप्शन आ गया है एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपका जो भी स्मार्टफोन हो तो आप उसमें स्टोरेज वाले ऑप्शन में चले जाएंगे एप्लीकेशन के, और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है, इसका जो डाटा है क्लियर कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे उस वीडियो पर कमेंट करके पूछा था कि क्लियर डाटा करने से जो ऐप है उनका सबका डाटा चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे किसी एप्लीकेशन का कुछ डाटा नहीं जाएगा, केवल फ्रेंड्स जो बक्स इकट्ठा हो जाते हैं प्ले स्टोर में नेट के ज़रिए वो इससे मतलब क्लियर हो जाते हैं, वो दूर होता है बस। इससे किसी एप्लीकेशन का डाटा कुछ भी डिलीट नहीं होता है, यहाँ तक कि आपके जो ऐप इंस्टॉल है, गेम इंस्टॉल है, आप उसमें मतलब आपका बहुत कुछ पड़ा हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं होता है इससे। केवल उसमें जो बक्स होते हैं वो सब डिलीट हो जाते हैं। अपना डाटा यूज़ करा, अपने इंटरनेट से किसी गेम को डाउनलोड करा या ऐप को, उससे कुछ बक्स डाउनलोड हो जाते हैं, वायरस हो जाते हैं, वो सब क्लियर हो जाता है इतना करने से। तो फ्रेंड देखिए, क्लियर डाटा क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फॉर स्टॉप पे जाना है और यहाँ पर फॉर स्टॉप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, बैक आ जाना है, इसको कट कर देना है। फिर फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। इसको देखिए, इधर जाकर आपको रीस्टार्ट कर देना है और रीस्टार्ट करने के बाद फ्रेंड्स अपने स्मार्टफोन को फिर से ओपन करना है। तो चलिए पहले रीस्टार्ट करते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने रीस्टार्ट करके इसको दोबारा से ओपन कर लिया है फ़ोन को। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने स्मार्टफोन में सीधे से प्ले स्टोर वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने अब इस तरीके का इंटरफेस आएगा कुछ। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। पहले यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिलती थी, अब 3 लाइन देखने को नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए, आपकी जो जीमेल आईडी है उसका लोगो दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपको सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए नीचे आएंगे, सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन दिखेगा नेटवर्क प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर देखिए ओवर वाईफाई ओनली होगा या आस्क मी एवरी टाइम होगा, तो फ्रेंड्स आपको ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स ऐसी फ्रेंड ऑटो अपडेट्स वाले ऑप्शन पर जाना है, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स
ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, तीसरा डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स ऑटो प्ले वीडियोज़ वाला ऑप्शन आ रहा है, तो डोंट ऑटो प्ले वीडियोज़ तीसरा ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए बैक आ जाना है, बैक आने के बाद कोई भी ऐप ले लीजिए या कोई भी गेम ले लीजिए, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी एक जैसे ये है शेडो फाइट 2, इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अभी पेंडिंग लिखा आ रहा है, आपको कम से कम 5 सेकंड तक पेंडिंग लिखा हुआ आएगा और उसके बाद फ्रेंड्स डायरेक्टली आपका ये गेम डाउनलोड होने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स गेम डाउनलोड होने लगा है। अब यहाँ पर देखिए चलिए शेडो फाइट 2 हो गया, हम कोई एप्लीकेशन भी अब आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कई बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई, कोई सी भी एक ले लीजिए, जैसे ये कैश करो है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। इंस्टॉल, इंस्टॉल पर मैंने क्लिक कर दिया, देखिए पेंडिंग लिखा आ रहा है, 3-4 सेकंड तक पेंडिंग लिखा आएगा। अब देखिए डायरेक्ट 35% ये डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से और कोई भी फ्रेंड्स आप एप्लीकेशन ले लीजिए, जैसे MX टकाटक है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, पेंडिंग लिखा आ रहा है, 2-3 मिनट तक सेकंड तक पेंडिंग लिखा आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगी, देखिए डाउनलोड होने लगी है। तो फ्रेंड देखिए आपको यही एकमात्र तरीका है फ्रेंड्स पेंडिंग प्रॉब्लम दूर करने का। मैंने प्ले स्टोर पर जीमेल पर फ्रेंड्स लिखकर मैंने उनसे बात करी थी, मैंने मेल भेजा था उन्हें, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया आपको ये करना है, तो आपकी 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बता दिया, अगर आपकी उस वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो तो आप इस वीडियो को देखिए और यही तरीका अपनाइए, 99% फ्रेंड्स आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।